13 अक्टूबर 1958। इस दिन काला हिरण मामले में ही सलमान खान को कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान को किसी से मिलवाए बिना सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया। एक पुलिस वाले ने सलमान को कैदी के कपड़े दे दिए। सलमान ने सिर झुकाकर कपड़े पहन लिए। सलमान बहुत मायूस थे। शाम को सलमान को जोधपुर के सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया। सलमान आधी रात तक जेल के सिरहाने बैठकर बस सोच रहे थे। सलमान को जेल में एक वार्डन अलॉट किया गया जिसका नाम था महेश सैनी। महेश बीते 12 साल से जेल में मर्डर केस में सजा काट रहा था। महेश ने सीधे जाकर सलमान से खाने के लिए कहा लेकिन सलमान ने मना कर दिया। सलमान अभी तक सिर्फ मायूस थे। सलमान पूरी रात करवटें बदलते रहे। सुबह महेश ने सलमान को नाश्ता लाकर दिया। धीरे धीरे सलमान भी महेश से घुलने लगे। महेश ने जेल की सभी कमियों के बारे में सलमान को बताया। एक दिन सलमान का कुछ अलग खाने का मन हुआ। क्योंकि महेश जेल से बाहर आ जा सकता था इसलिए महेश छिपकर सोयाबीन की बड़ी जाकर खरीद लाया। सलमान और महेश ने छिपकर बड़ी खाई लेकिन ये बात लीक हो गई और सुबह के अखबारों की सुर्खियां बन गई। जेलर ने महेश और सलमान को फटकार लगाई। 72 घंटे बाद सलमान को जेल से जमानत मिल गई। सलमान ने अपनी जींस और टी शर्ट महेश को दे दी और बदले में महेश की बनियान मांग ली। महेश गंदी बनियान पहने थे। महेश ने सलमान को अपनी धुली हुई बनियान दी। उस वक्त सलमान के पास देने को कुछ नहीं था इसलिए सलमान ने महेश को वो कपड़े दे दिए। महेश की बनियान में सलमान ने ब्लेड मारे और पहनकर जाने लगे। तब महेश ने सलमान से पूछा कि ऐसा कौन करता है, तो सलमान ने जवाब दिया यही तो मेरा स्टाइल है। आज सलमान जोधपुर की उसी सेंट्रल जेल की 4 दीवारों में 5 साल के लिए कैद हो गए हैं। यकीनन सलमान को अपनी जिंदगी का वो किस्सा भी जरूर याद आ जाएगा। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।